हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले बेसिकली बात आती है क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्या होता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्या होता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो, सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि कोई कंपाउंड है, लाइक हमने मान लिया कोई कंपाउंड है हमारा H2O2, ये कंपाउंड है। तो ये जो कंपाउंड है हमारा H2O2, ये जो कंपाउंड का फॉर्मूला है, ये हमारा कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हमारा कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें एक्चुअल वैल्यू हमें मिली होती है, एक्चुअल नंबर मिला होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ये हमें पता चलता है। अब इसको हम जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसमें मींस ज्यादा से ज्यादा हम कौन सी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं जिससे हमारा जो एटम का नंबर है वो होल नंबर में बना रहे। तो देखो, इससे 2 कॉमन आ रहा है, तो अब हमारा क्या बचा, H1O1। तो ये चीज जो हमारी आई है इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लास, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि हमने मान लिया कि कोई मॉलिक्यूल है, ये हमने मॉलिक्यूल मान लिया, ये हमारा मॉलिक्यूल है H2O2, क्या है H2O2। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हमारा होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, अब इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम कंबाइंड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो ये जो आया, ये हमारा कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हमारा कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमारा बन जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमने क्या किया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपीरिकल फॉर्मूला में अगर हम जाएं, तो हमने क्या किया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कोई वैल्यू कॉमन ले ली है, तब हमारा क्या बन गया है इंपीरिकल फॉर्मूला। तो अगर हम इस इंपीरिकल फॉर्मूला में उस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दें जो वैल्यू हमने कॉमन ली है, तो कहीं ना कहीं हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाता है, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है, होल एन। अब होल एन क्या है, होल एन वो नंबर होगा जो हमने कॉमन लिया होगा। तो एक बार मैं फिर से बताने जा रहा हूं इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है। द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो इंपीरिकल फॉर्मूला होता है, इज द केमिकल फॉर्मूला, वो एक केमिकल फॉर्मूला होता है विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर। जो सिंपलेस्ट होल नंबर दिखाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर होना चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट। वेरियस एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के जो अलग अलग एटम होंगे, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर आ रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। वो हमारा क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जबकि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल के कंपाउंड का, वो हमें बताता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू देता है, ट्रू फॉर्मूला देता है। जैसे हम ये देख पा रहे हैं, यहां लिखा है ट्रू वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूल, ये देता है ट्रू वैल्यू, और ये देता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। यही अंतर है दोनों में, ये एक सिंपलेस्ट होल नंबर में लिखा होता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमारा होता है एक ट्रू वैल्यू हमें देता है। कैसी वैल्यू देता है, तो ट्रू वैल्यू देता है। अब जैसे हम और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, उससे पहले हम कुछ अपने फॉर्मूले बना लेते हैं इससे। अब देखो, हम फॉर्मूला क्या बनाने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो वेट आएगा, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, क्लास मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूले से जो वेट आने वाला है उसको हम लोग कहते हैं क्लास इंपीरिकल वेट। क्या कहते हैं, इंपीरिकल वेट। और साथ में हमने क्या कर दिया, एन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक ये नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इंपीरिकल वेट इनटू एन। यहां से भी अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा,
ये फॉर्मूला हमारा है मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल एन। तो इन दो फॉर्मूले से हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। फिर से सुनना जरा, अब मैं बहुत सारे अदर एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया ग्लूकोज C6H12O6, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है मॉलिकुलर फॉर्मूला। ये हमारा ग्लूकोज का क्या है, मॉलिकुलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। अब अगर हम इसको इंपीरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो इसको हमें सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना पड़ेगा, और सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने की क्लास अगर हम देखें कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो हम कॉमन ले सकते हैं, तो कौन सा ऐसा नंबर आएगा, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं यहां से 6, तो C1 बचेगा, H2 बचेगा, O1 बचेगा। तो यहां पे हमारा ये जो आया है ये कहलाता है एम्पीरिकल फॉर्मूला, ये कहलाता है एम्पीरिकल फॉर्मूला। अब अगर क्लास बात करें कि मॉलिकुलर फॉर्मूला से एम्पीरिकल फॉर्मूला आ गया, एम्पीरिकल फॉर्मूला से हमें रिटर्न मॉलिकुलर फॉर्मूला चाहिए, तो हमें क्या करना है, ये जो भी एम्पीरिकल फॉर्मूला आया है उसमें होल एन, एन मीन्स जो हमने कॉमन लिया है, यहां पे हमने कॉमन क्या लिया था 6, अगर हम 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो दोबारा हमें वो अपनी वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे कि कुछ ये एग्जांपल है, और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है, जैसे हमने H2O2 का एग्जांपल ले लिया, इसका एग्जांपल ले लिया। अब हम जैसे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ओर, देखो ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल नंबर 1 हमने सीख लिया। अब एग्जांपल, अब अगर हमसे कहा जाए कि C2H4 का मॉलिकुलर फॉर्मूला है ये, हमें इसका एम्पीरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो इसका एम्पीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, एम्पीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल इसमें से जो कॉमन आ रहा होगा वो कॉमन ले लेंगे हम लोग। कौन सा सिंपलेस्ट रेशियो में करने के लिए हम कौन से नंबर से दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये बचा CH2, तो इसका एम्पीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH2। अच्छा क्लास, कभी कभी मॉलिकुलर फॉर्मूला एम्पीरिकल फॉर्मूला सेम हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है। जैसे फोर्थ एग्जांपल पे हम बात करते हैं, फोर्थ एग्जांपल हमने लिख लिया H2O। अब H2O में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्मूला में लिखा है, मींस हम लोग का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होने वाला है, जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा यहां पे, वही हमारा एम्पीरिकल फॉर्मूला होगा, वही हमारा एम्पीरिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है, जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा वही एम्पीरिकल फॉर्मूला होगा। तो किसी भी कंपाउंड का हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला और एम्पीरिकल फॉर्मूला निकालना है तो हम ये दो चीजें यूज करेंगे। अभी ये न्यूमेरिकल में भी यूज होगी क्लास, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एम्पीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पीरिकल फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट होल नंबर होता है। किसी भी कंपाउंड को अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एम्पीरिकल फॉर्मूला। और अगर वो एक्चुअल फॉर्मूला है, किसी भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल फॉर्मूला है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बहुत सारे इजी इजी वे हैं, हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल नेक्स्ट ले लिया, हम लोग का एग्जांपल 4 हो गया था, ये हमने मान लिया एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 में हमें NaOH दिया है और इसका हमें ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है, एम्पीरिकल फॉर्मूला निकालना है क्लास, मॉलिकुलर फॉर्मूला है, हमें एम्पीरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द एम्पीरिकल फॉर्मूला ऑफ NaOH, तो हम गौर से देखिए इसमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही है, और अगर कोई भी कॉमन नहीं वैल्यू मिल रही है तो जो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा क्लास, जो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा वही इसका एम्पीरिकल फॉर्मूला होने वाला है, एम्पीरिकल फॉर्मूला होने वाला है, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये एक सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में ऑलरेडी है, ये जो वैल्यू है ये सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में ऑलरेडी है। तो किसी भी मॉलिक्यूल से हम उसका एम्पीरिकल फॉर्मूला बहुत इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जो कॉमन मिलेगा वो नंबर कॉमन ले लेना है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद जो बचा वो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो में हो गया, मींस क्या हो गया, एम्पीरिकल फॉर्मूला। ये C6H12O6 है, इससे 6 कॉमन आ गया, तो C1H2O1 ये हमारा क्या बन गया, एम्पीरिकल फॉर्मूला। H2O से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, C2H4 से हमें 2 कॉमन आ सकता था। ऐसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का एम्पीरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। हाँ, अगर एम्पीरिकल फॉर्मूला दिया है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो हमें 2 वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर एन की वैल्यू पता होगी तो वो हम उसमें मल्टीप्लाई करके दोबारा हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, तो क्लास हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पीरिकल फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर या एम्पीरिकल फॉर्मूला। तो कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर और एम्पीरिकल फॉर्मूला, उसके लिए कुछ हमें बेसिक पॉइंट हमें आने चाहिए। वो बेसिक पॉइंट क्या है, तो
वो बेसिक पॉइंट कौन कौन से बेसिक पॉइंट हैं? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोल मोल हम कैसे निकालते हैं। तो मोल को निकालने का एक तरीका होता है वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्यों लिखा? क्योंकि अगर एटम का है तो एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। और हम कैसे निकाल सकते हैं मोल को, और हम कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर हमें वॉल्यूम इन एनटीपी या एसटीपी पता है, वॉल्यूम इन एनटीपी एसटीपी पता है, तो हम 22.4 लीटर से डिवाइड करके, या 22.4 लीटर नहीं, अगर हमें एमएल में दिया गया है तो 22400 एमएल, इससे डिवाइड करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मोल निकालने के कुछ तरीके हैं, ये आप लोगों को आते होंगे। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास में एटम है तो एटॉमिक मास आ जाएगा, जो कि यहां लिखा हुआ है। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम अगर दिया है एनटीपी एसटीपी पे हमें, तो फिर क्या करना है, 22.4 लीटर या 22400 एमएल से डिवाइड करना है। और हम क्या कर सकते हैं, और हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा हुआ है, एक फॉर्मूला हमारा ये यूज होगा यहाँ पे। सेकंड फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी देखा है, हम लोगों ने क्या देखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। फिर थर्ड हमने क्या देखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो वेट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट, इंपीरिकल फॉर्मूले का जो वेट होता है वो होता है इंपीरिकल वेट इनटू एन। तो ये फॉर्मूले हमारे यहाँ पे यूज होने वाले हैं, ये फॉर्मूले हमारे यहाँ पे यूज होने वाले हैं। और फोर्थ फॉर्मूला हमारा जो यहाँ पे यूज हो सकता है वो ये यूज हो सकता है, वेपर डेंसिटी वीडी। वीडी बोले तो वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय टू। कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट जो हमें यहाँ पे चाहिए वो वेपर डेंसिटी के फॉर्म में देता है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय टू। वेपर डेंसिटी दी है तो टू से मल्टीप्लाई करके हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के हमें इतनी चीजों का यूज करना है यहाँ पे। तो देखो जरा, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास। अब बात आती है वॉल्यूम एट एनटीपी एसटीपी, क्या होता है वॉल्यूम एट एनटीपी एसटीपी। तो देखो एनटीपी एसटीपी क्या होता है, एनटीपी एसटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो ये एनटीपी एसटीपी पे क्या वैल्यू होती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर हम लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको हमें केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर देंगे, तो 25 प्लस 273 तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 298 केल्विन। और नॉर्मल अगर हम प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल प्रेशर पी क्या होता है, 1 atm होता है, नॉर्मल प्रेशर 1 atm होता है। इसकी बहुत सारी यूनिट होती है, मीन 760 mmHg। 760 mmHg मीन्स जब हमारा बैरोमीटर 760 mm तक बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी वैल्यू मर्करी 760 mm तक आ जाती है, तो हम लोग देखते हैं कि वहां का प्रेशर जो है वो नॉर्मल प्रेशर मीन्स 1 atm हो चुका है, ठीक है। अगर वो सेंटीमीटर में है तो 76 cm/hg होगी, ठीक है। और भी हम मेजर कर सकते हैं, 1.01 × 10⁵ Pa, Pa बोले तो पास्कल, पास्कल में भी मेजर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वैल्यू होती है हमारी, जैसे टॉर में मेजर करना है तो 760 टॉर, टॉर भी एक प्रेशर की यूनिट होती है। बार में भी मेजर कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग एनटीपी और एसटीपी पे जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है, जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो मेजर कर सकते हैं। कैसे, ये वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इतना डाटा हमें यूज करना है। तो उस क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग को हम एक चार्ट आना चाहिए, वो हम चार्ट बताने जा रहे हैं आप लोगों को। हाँ, तो क्लास हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये चार्ट बनाना पड़ेगा, इस चार्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो चार्ट को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छा है, बिल्कुल इजी लेवल से हाई लेवल तक हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट लिखना है, तो यहाँ पे एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन,
कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तीन एलिमेंट आ रहे हैं। फिर उनका वेट इन ग्राम या परसेंटेज कंपोजिशन, एक्चुअली में बहुत सारी बुकों में केवल केवल परसेंटेज कंपोजिशन दिया होता है, लेकिन कुछ आप कंपटीशन लेवल की बुकें देखोगे उसमें हमारा वेट भी गिवन होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन एक तरीके से वेट ही बताता है और एट लास्ट वो मोल निकालने के काम आएगा, और मोल निकालने के लिए हमें वेट अपॉन मोलर मास करना पड़ता है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं दिया है, सीधे सीधे वेट दिया है एलिमेंट्स का, वेट दिया है एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स का अगर वेट दिया है तो सीधे डायरेक्ट हम वो लिख देंगे। अब जैसे कार्बन का कितना है 20.32 है, हाइड्रोजन का कितना है 5.12 है, और नाइट्रोजन का कितना है 7.9। फिर इनका एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और नाइट्रोजन का होता है 14। फिर हमें मोल निकालना है, तो मोल के लिए वेट अपॉन मोलर मास मींस एटम के लिए एटॉमिक मास होता है। तो हमने क्या करना है, 20.32 को 12 से डिवाइड कर देना है मोल निकालने के लिए, और 5.12 को 1 से डिवाइड कर देना है, 7.9 को 14 से डिवाइड कर देना है, ठीक है 1.69 समथिंग आने वाला है, इसको डिवाइड करने में 5.12 आने वाला है, 0.5639 अप्रोक्स आएगा। उसके बाद क्या करना है क्लास, उसके बाद हमें जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो हमारी कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। सिंपलेस्ट रेशियो में करने के लिए हमें यही करना होता है, जो सबसे छोटी वैल्यू आती है उसका सब में डिवाइड करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी क्लास उसका सारे मोल्स में डिवाइड करना है। मीन्स हम ये कर सकते हैं 1.69 में 0.5639 से डिवाइड करेंगे, इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड, इसका खुद में डिवाइड, तो 5.12 में 0.5639 का, फिर 0.5639 में 0.5639 का, तो ये हमारी डिवाइड, ये वैल्यू हमारी निकलेगी कुछ 3, इसको डिवाइड करने में हमारा अप्रोक्स 3, इसको डिवाइड करने में हमारा अप्रोक्स 9, और इसको डिवाइड करने में हमारा अप्रोक्स 1 आएगा। अब अप्रोक्स 1 क्या है, अप्रोक्स 1 है जैसे ये 2.9 आया है तो हम 3 मान सकते हैं, या 3.01 आया है तो हम 3 मान सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, अभी एक केस में बताऊंगा हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब हमारा सी की वैल्यू आ गई 3। तो अगर हम इससे इंपीरिकल फॉर्मूला निकल के आता है सिंपलेस्ट रेशियो में, अभी इसी लेक्चर में मैंने बताया था सिंपलेस्ट रेशियो से इंपीरिकल फॉर्मूला निकल के आता है, तो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला क्लास क्या हो जाएगा हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया सी हमारे पास कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 9 और नाइट्रोजन कितने हैं 1 है, नाइट्रोजन कितने हैं 1 है। फिर मैंने बताया था इंपीरिकल फॉर्मूला से इंपीरिकल वेट आ जाता है, इससे हम लोग इंपीरिकल वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, तो देखो जरा कार्बन का वेट कितना होता है 12 और कार्बन कितने हैं 3, प्लस हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 और हाइड्रोजन है कितने 9, प्लस नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14 और ये है कितने 1। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 36, ये हो गया 9 और ये हो गया 14। तो अब अगर हम इसमें देखें तो ये अराउंड, हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया, ये अराउंड 59 आ रहा है। अब हमारा क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट निकालने की बारी है, इंपीरिकल वेट हमारा आ गया है, इंपीरिकल वेट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड मीन्स मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है। तो हम यहां से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखना। सबसे पहले हमें चार्ट में एलिमेंट रखना है, उसका परसेंटेज, हर एक एलिमेंट का जो वेट है वो लिखना है, उसके बाद उसका एटॉमिक मास, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे मोल्स आ जाएंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सबके मोल्स आ जाएंगे, उस मोल्स में सबसे छोटी वैल्यू का सब में डिवाइड करना है, तो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकल जाएगा जिससे हमें इंपीरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना था, जो कि हमें आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। इंपीरिकल फॉर्मूला में एन का मल्टीप्लाई करना है, एन कहां से आएगा, वो इस फॉर्मूले से आएगा। तो लगाते हैं ये फॉर्मूला, क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इंपीरिकल वेट इनटू क्या हो जाने वाला है एन। तो अब देखो जरा मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 236.448, इंपीरिकल वेट कितना है 59, तो यहां से हमारी क्लास एन की वैल्यू आ गई 4, यहां से हमारी एन की वैल्यू आ गई 4, और एन की वैल्यू आते ही हम अगर इस फॉर्मूले में रख दें तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पीरिकल
फॉर्मूला इन का होल एन। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्लास हमारा कितना था, C3H9N1 था, इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो C12H36 और N1, ये फाइनली हमारा क्या आ गया, ये फाइनली हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला आ गया, ये फाइनली क्लास हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला आ गया। तो ये हम लोगों ने मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल लिया, मॉलिकुलर फॉर्मूला हमें निकालना था ये आ गया, इंपीरिकल फॉर्मूला हमें निकालना था ये आ गया। तो हम लोग को क्या करना है, ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा क्लास यूज होने वाले हैं, कभी कभी मॉलिकुलर वेट डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो वेपर डेंसिटी दी होगी, जिसमें 2 का मल्टीप्लाई करके हम ये निकाल सकते हैं। मोल के लिए फॉर्मूला याद रखना, अभी आगे क्वेश्चनों में यूज होने वाला है। तो ये फॉर्मूला था, अभी ये थोड़ा सा कम समझ आया होगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, उससे हमारा ये पूरा का पूरा चार्ट, पूरे के पूरे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्लास। हाँ, तो क्लास आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखना, ये बेसिक है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। कह रहा है मॉलिकुलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। मॉलिकुलर मास जिसको हम कहते हैं मॉलिकुलर वेट, तो जो हमें गिवन है क्या गिवन है, मॉलिकुलर वेट गिवन है, कितना गिवन है 78। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन। तो यहां पे हम लोगों ने लिख लिया कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, कार्बन का परसेंटेज है 92.4% और हाइड्रोजन का है 7.6%। अब देखो बेसिकली क्लास यहां पे एक स्टेप है जो आपको चेक करने की जरूरत है। तो यहां पे आपको न्यू कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूं, न्यू कॉन्सेप्ट क्या देने वाला हूं बहुत अच्छे से देखना, कि आपको दोनों का परसेंटेज एड करना है। और यहीं पे बच्चा गलती करता है, कार्बन हाइड्रोजन को ही देख लेता है, वो सोचता है कि यही बस है और कुछ नहीं होगा। आपको दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करने पे अगर 100 आ रहा है तो बस यही दो एलिमेंट आएंगे, और अगर दोनों को ऐड करने में 100 नहीं आ रहा, कुछ परसेंटेज बच रहा है, तो वो परसेंटेज बचा हुआ हमारा ऑक्सीजन का होगा। यहां दोनों को ऐड करने में हमारा 100 आ रहा है, मींस हमारे दो एलिमेंट के अलावा तीसरा एलिमेंट नहीं है। अब कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और मोल निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है उसी को हम वेट कहते हैं। तो वेट अपॉन मोलर मास मींस 92 डिवाइडेड बाय 12 जो कि आ जाएगा 7.7, और 7.6 डिवाइडेड बाय 1 जो कि साफ साफ समझ आ रहा है 7.6। फिर मैंने बताया था यहां पे अगला स्टेप हमें उठाना है, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर होगा इसमें दोनों में से यही सबसे छोटा है उसको दोनों ही मोल में डिवाइड कर देना है। तो हमारा मोल रेशियो आ जाएगा मीन 7.7 में अगर 7.6 को डिवाइड करेंगे तो 1.01, और 7.6 में 7.6 को डिवाइड करेंगे 1, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 है, ये भी अप्रोक्स 1 है, राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कहीं कहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, तो क्वेश्चनों को आगे देखते रहना, हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट दूंगा। तो अभी क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट था, वहां पे वेट गिवन था हर एक एलिमेंट का कंपाउंड का नहीं, इसमें क्या गिवन है परसेंटेज। तो हर क्वेश्चन के साथ मैं नई चीज लाऊंगा आपके लिए। अब देखो जरा यहां से क्या आ गया, हमने बताया था जो सिंपलेस्ट रेशियो से आता है वो आ जाता है आपका इंपीरिकल फॉर्मूला। तो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला क्लास क्या आ गया, C1H1। और मैंने आपको ये भी बताया था इंपीरिकल फॉर्मूला से आप इंपीरिकल वेट निकाल सकते हो, तो कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का 1, ये आ गया 13। अब इससे क्या करने वाले हैं हम लोग, हमें निकालना क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमें निकालना क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इंपीरिकल फॉर्मूला का होल एन, इंपीरिकल फॉर्मूला होल एन। तो देखो हमें इंपीरिकल फॉर्मूला तो पता चल चुका है, एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इंपीरिकल वेट इंटू एन, मॉलिक्यूलर वेट इंटू इंपीरिकल वेट इंटू एन। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 78 है, इंपीरिकल वेट 3 है इंटू एन, तो एन की वैल्यू यहां से क्या आ गई 6, और ये वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। इंपीरिकल फॉर्मूला है C1H1, मॉलिकुलर फॉर्मूले निकालने के लिए हमने एन की वैल्यू क्या कर दी 6 रख दी, यहां से हमारा क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो क्लास हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला कितना आ गया ये, तो ये हमारा क्या होगा क्लास फाइनल आंसर होगा।
ये हमारा क्लास क्या होने वाला है, फाइनल आंसर होने वाला है। हम लोग से पूछा था मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये चार्ट आना चाहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट लिख लेना है, उनका वेट, एलिमेंट का वेट दिया है तो एलिमेंट का वेट, अदरवाइज उनके परसेंटेज। कभी कभी ना एलिमेंट का वेट देता है, कभी कभी ना एलिमेंट का परसेंटेज देता है, वहां पे कंपाउंड का वेट दे देता है, उसके लिए भी मैं अभी क्वेश्चन बताने वाला हूं। एटॉमिक मास दोनों को डिवाइड करना है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। हमें मोल्स आ जाएंगे, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी, जो सबसे कम मोल्स होंगे, वो हम सब में डिवाइड कर देंगे। एक हमें सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, जिससे एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल वेट एन की वैल्यू निकाल के हमें रखना है। हर क्वेश्चन में ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। और एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे बोर्ड में, ये होता है 11th क्लास में ये क्वेश्चन आता है, तो अप्रोक्स 2 or 3 मार्क्स का आता है, तो 2 या 3 नंबर कवर हो जाते हैं इस क्वेश्चन से। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं ना कहीं 12th क्लास में भी जो वर्ड प्रॉब्लम होती है बड़ी बड़ी, उसमें ये क्वेश्चन का यूज कर लिया जाता है, आइडेंटिफाई ए बी सी डी कंपाउंड में रिएक्शन को इंक्लूड करने से पहले। तो ये अच्छा क्वेश्चन। क्लास बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है, तो सारे पहले हमें क्या लिखने होते हैं, एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है और रेस्ट इज ऑक्सीजन। कह रहा है जो बचा हुआ है वो ऑक्सीजन है। कार्बन यहाँ पे कितना है क्लास, तो कार्बन है हमारा 57.8, हाइड्रोजन हमारा कितना है 3.6, और जो बचा हुआ है कह रहा है रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो रेस्ट ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑक्सीजन का निकालना है, तो 100 माइनस मैंने कार्बन 57.8 प्लस 3.6 दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर देंगे, तो हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज क्लास आ जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा 38.6। तो अब मैं क्या करना है, इनके एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास आप लोगों को पता होगा 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, दोनों को डिवाइड करना है, मोल्स निकल आएंगे हमारे, मोल्स ऑफ एटम आ जाएंगे, तो क्या करना है 57.8 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 3.6 डिवाइडेड बाय 1 और 38.6 डिवाइडेड बाय 16, 4.82 इसको डिवाइड करने में 3.8, तो 2.41 अराउंड आने वाला है। अब हमने क्या कहा था, मैंने ये बोला था जो वैल्यू सबसे छोटी होगी, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी, जो मैं स्टार बना दे रहा हूं यहां पे, दो बातें कौन कौन से स्टेप में आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो याद रखना। यहां पे आपको देखना है ऑक्सीजन है कि नहीं, उसके लिए आपको इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है और देखना है 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर लेंगे, ऑक्सीजन आ जाएगा, ये चीज चेक करना भूलना नहीं क्लास, ठीक है। दूसरी बात, सबसे छोटे नंबर से जब आप डिवाइड करोगे 4.82 डिवाइडेड बाय 2.41 अराउंड, साफ साफ समझ आ रहा है ये 2 आने वाला है। 3.6 को जब 2.41 से डिवाइड करोगे तो 1.49, ठीक है, अप्रोक्स 1.5, और 2.41 को अगर 2.41 से डिवाइड करोगे तो अराउंड कितना आने वाला है, अराउंड 1 आने वाला है। अब हमारा क्या आने वाला है, इसको हम 1.5 बोल सकते हैं, और 1.5 को हम क्या एज्यूम करेंगे, तो कुछ नहीं, 1.5 को होल नंबर बनाने के लिए, होल नंबर रेशियो बनाने के लिए हमें सब में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात यहां पे याद रखना, और यहां पे आपको याद रखने वाली है कि ऑक्सीजन है कि नहीं, यहीं पे बच्चा गलती करता है क्लास। अब देखो जरा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4, 1.5 का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसमें करेंगे 2, और इससे जो निकल के आता है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्या होता है, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा कितने आने वाला है, तो C हमारे 4 है, H हमारे कितने हैं 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला से क्लास आप लोग जानते हो क्या निकल के आ जाता है, एम्पिरिकल वेट निकल आता है। एम्पिरिकल वेट कैसे निकलेगा, कार्बन कितने हैं 12 × 4 वेट 4 है, हाइड्रोजन 1 × 3, ऑक्सीजन 16 × 2, तो ये हमारा हो जाने वाला है कितना, ये हो जाने वाला है 36 + 3, और ये हो जाने वाला है 32। प्लस इसको आपस में ऐड कर देंगे, ये वैल्यू हमारे आने वाली है 83। अब देखो है क्या, अगर हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एन पता होना चाहिए, और एन कहां से आता है, एन हमारा आता है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू एम्पिरिकल वेट इनटू एन। तो अब हमें एम्पिरिकल वेट पता चल चुका है, एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं,
अगर हमें मॉलिकुलर वेट पता चल जाए, लेकिन क्लास इस बार ये खेल गया, इस बार हमें मॉलिकुलर वेट नहीं दे रहा है, इस बार हमें क्या दे रहा है, वेपर डेंसिटी दे रहा है, क्लास वेपर डेंसिटी दी है, ये हमारे लिए क्या आ गया, न्यू कॉन्सेप्ट है, ये नई चीज लेके आया है। तो अभी हम पहले आपको बता चुके थे वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट बाय 2, और वेपर डेंसिटी हमारी क्लास कितनी दी है, 83 दी है। तो इसमें जब 2 का मॉलिकुलर वेट हम जब निकालेंगे तो मॉलिकुलर वेट यहां से आ जाने वाला है, मॉलिकुलर वेट कितना आने वाला है, 83 into 2। तो यहां पे मॉलिकुलर वेट मैं पुट कर दे रहा हूं ये वैल्यू 83 into 2, तो 83 से 83 कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2, और ये वैल्यू उठा के हम लोग यहां रख देंगे तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आया था, C4H3O2 का होल ट्वाइस, तो C8H6O4, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्लास आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि हमें निकालना था। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ नहीं करना है क्लास, मैं फिर से रिपीट करूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने एलिमेंट दिए हैं उनका परसेंटेज लिख देना है, उनको ऐड करके देखो 100 हो रहा है कि नहीं, गलती के चांसेस हैं, ऐड करके देखो 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें 100 नहीं हो रहा था मींस ऑक्सीजन है, हाँ वो बात अलग है, इसमें रेस्ट इज ऑक्सीजन ऑलरेडी दे रहा है लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में नहीं देगा। फिर एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना मोल, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसका सब में डिवाइड करो, इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें, तो डिवाइड कर दिया, जो नंबर आएगा वो होल नंबर में अप्रोक्स हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कुछ नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें दो नए कॉन्सेप्ट आए हैं, एक वेपर डेंसिटी वाला और एक मल्टीप्लाई वाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्लास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटायरिक एसिड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ब्यूटायरिक एसिड में क्या क्या था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। तो ब्यूटायरिक एसिड में हमारे पास तीन चीजें थी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद कह रहा है 4.24 मिलीग्राम ऑफ ब्यूटायरिक एसिड। देखो फिर से न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आए हैं, फिर से न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। इस बार न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, इस बार हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है क्लास, यहां पे दिया है वेट ऑफ कंपाउंड। क्या दिया है, वेट ऑफ कंपाउंड गिवन है न्यू कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले वाले में क्या था, वेट ऑफ एलिमेंट गिवन था, सेकंड वाले में क्या था, परसेंटेज गिवन था, ठीक है, सेकंड वाले में क्या था, परसेंटेज। थर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने देखा था वेपर डेंसिटी नहीं आ गया था। इस बार क्या है, इस बार हमारा कंपाउंड का वेट दिया गया है, ना एलिमेंट का है ना परसेंटेज है, कंपाउंड का वेट है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग अभी हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो परसेंटेज कार्बन निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज कार्बन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 12/44 into, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसकी ट्रिक भी पढ़ी है कि कैसे बनता है, ठीक है, वेट ऑफ CO2 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो अब देखो 12/44 इज इक्वल टू आ जाएगा वेट ऑफ CO2 क्लास देख लेते हैं हमारा कितना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है 8.45, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है 8.45 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस ब्यूटायरिक एसिड कितना दिया है 4.24 इनटू, क्या कर देना है हमें आएगा 54.3 के अराउंड परसेंट आ जाएगा, और वो परसेंट हम लोगों ने लिख लिया 54.3% आ गया। ऐसे ही हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, 2/18 into वेट ऑफ H2O, ये हम लोग लास्ट वीडियो में हम सब पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब देखो ये क्या हो गया, 2/18 into वेट ऑफ H2O, वेट ऑफ H2O कितना दिया है 3.46/4.24 वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, हमारा कितना आ रहा है, तो अराउंड 9% के अप्रोक्स आएगा। इन दोनों को ऐड करना है, मैंने कहा था इस स्टेप में एक चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, स्टार बना दे रहा हूं, इन दोनों को ऐड करने पे देखो 100 आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा जबकि कहीं पे इसकी ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि कितना आ गया, ये 9% आ गया। तो अगर हमें परसेंटेज ऑक्सीजन निकालना है तो 100 माइनस क्या करना पड़ेगा, कार्बन का प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ जाएगा, इससे 36.7% कह रहा हूं। अब उसके बाद का फॉर्मूला तो तुम्हें क्वेश्चन बहुत इजीली आता ही है सबको लोगों को, इसका वेट कितना है 12 एटॉमिक मास होता है, इसका 1, इसका 16, मोल निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करते हैं तो 54.3/12 या जाएगा 9 / 1 ये 3.67 / 16
इन लोगों को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये तो 9.52 आने वाला है, 2.29 के अराउंड लगभग लगभग अप्रोक्स आने वाला है। अब उन्हें क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू 2.29 का सब में डिवाइड कर देना है। 4.52 में 2.29 का, 9 में 2.29 का और 2.29 में 2.29 का, यहां से तो साफ साफ वैल्यू 1.97 के अराउंड आएगी। इससे वैल्यू 3.9 के अराउंड आने वाली है। तो अब देखो अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ये लगभग लगभग हमारा कितना हो जाने वाला है 2, ये लगभग लगभग 4 और ये 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो से हमारा क्या निकल आता है, इंपीरिकल फॉर्मूला निकल आता है। इंपीरिकल फॉर्मूला क्लास निकल आएगा, कितना होगा इंपीरिकल फॉर्मूला, तो C कितने आए हमारे पास 2, H कितने आए 4, ऑक्सीजन कितने हैं 1। और इसी से तुरंत हम लोग निकाल लेते हैं इंपीरिकल वेट। तो कार्बन कितने हैं, कार्बन का वेट होता है 12 × 2, हाइड्रोजन का 1 × 4, ऑक्सीजन कितना 16। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, ये हो गया हमारा 24 और ये हो गया हमारा 44, कितना आ गया 44। अब देखो मॉलिकुलर वेट दिया गया है, तो हम लोग लगाते हैं मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू इंपीरिकल वेट इनटू एन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, ये आ गया 88, ये आ गया 44, यहां से एन की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 2। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये कितनी बार में गया 2, एन की वैल्यू 2 आ गई। तो हम लोग बहुत इजीली वे में मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला होल एन। तो इंपीरिकल फॉर्मूला हमारा क्या आया था, इंपीरिकल फॉर्मूला C2H4O1 आया था होल 2, यहां पे एन की वैल्यू 2 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दे मैंने तो C4H8O2, ये हमारा आ गया मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो क्लास बेसिकली इसमें न्यू कॉन्सेप्ट में क्या लेके आया था, न्यू कॉन्सेप्ट में ये लेके आया था कि इस बार हम लोग को परसेंटेज दिया नहीं था, परसेंटेज निकालना था, इस बार हमें क्या दिया था वेट। तो कार अगर एलिमेंट का वेट दिया है तो सीधे सीधे मोल निकल आएगा, यहां पे हम वेट रखेंगे परसेंटेज की जगह, एलिमेंट का दिया है परसेंटेज दिया है तो भी सीधे सीधे हम लोग को चार्ट को फॉलो करना है। जब ना एलिमेंट का वेट दिया हो ना परसेंटेज दिया हो तब हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। इसका एक केस और है, ठीक है, हर बार हम कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। अगर आपको सिंपल देखना है तो फर्स्ट क्वेश्चन से भी ये पूरा सॉल्व हो जाने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। तो क्लास हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होने यूज होने वाले हैं इसमें। और देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल तरीके से आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो अगर आप इसको देखो तो ये कह रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ओनली। कोई वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है, बस उसने पहले ही से बोल दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट, उसके कुछ सैंपल को बर्न किया ऑक्सीजन से तो हमें CO2 और H2O मिला। अब अगर गौर से देखें तो लास्ट क्वेश्चन में CO2 और H2O का वेट तो गिवन था लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी वेट गिवन था। यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गई, यहां पे नई जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कहीं नहीं दिया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कहीं नहीं दिया गया है। आखिरी में जाके जो वेट दिया गया है वो 10 लीटर का दिया गया है, कितने का दिया है 10 लीटर का, वो भी STP पे दिया गया है। अब यार बेसिकली क्या करना है, तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर से न्यू कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन में मैं न्यू कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं। तो इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें ये छोटी सी चीज करनी है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले निकालना है मास ऑफ कार्बन। कार्बन का मास कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का मास कैसे आएगा, तो देखो कार्बन क्या करते थे 12 upon CO2 में हम निकालते थे 44 into क्या लिखते थे वेट ऑफ CO2, तो वही हमें करना है। तो हमारा है 12 upon 44 into वेट ऑफ CO2, हमारा कितना दिया है 3.38, तो ये हमारा आ जाएगा 0.92 ग्राम, कितना आ जाएगा 0.92 ग्राम आएगा। ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना होता है 2 और वाटर का 80 और यहां पे क्या लिखने वाले वेट ऑफ H2O, तो ये 2 upon 18 into H2O का वेट कितना है 0.69, तो ये 0.077 ग्राम अराउंड आ जाएगा। ठीक है, अब हमें तो ये निकालना नहीं था, हमें तो ये नहीं निकालना था, आप देखो क्वेश्चन इससे भी सॉल्व कर सकते हो। क्लास सुनना, मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन अगर आ गया है आपका, मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया है, तो वो यहां पे रख के आप क्वेश्चन उससे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो। कैसे,
तो परसेंटेज अगर कार्बन का निकालना है तो कार्बन कितना है 0.92 है अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 0.92 प्लस 7 0.077 इसको हम लोग निकाल लेंगे, ये 92% अराउंड आ जाएगा 92.2%। अगर हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन कितना दिया है 0.077 अपॉन 0.92 प्लस 0.77। क्या जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर नीचे क्या लिखते हैं टोटल इंटू क्या करते हैं 100 इंटू क्या करते हैं 100। तो हमने क्या किया जिसका परसेंटेज निकालना अपॉन टोटल इंटू 100 जिसका परसेंटेज निकालना है और नीचे टोटल इंटू 100 ये आ जाएगा अराउंड 7.7%। तो अब देखो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, हम लोग का क्वेश्चन काफी हद तक आसान हो गया है। कार्बन का परसेंटेज आ गया 92.2%, हाइड्रोजन का आ गया 7.7%, लगभग लगभग ये पूरा का पूरा 100% के आसपास है। और बोल ही रहा था कि दो ही चीजें हैं कार्बन हाइड्रोजन, ये 12 होता है इसका वेट 1 होता है, दोनों को डिवाइड करते हैं मोल आ जाएगा। तो 92.2 को 12 से डिवाइड करेंगे, 7.7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 7.6 और ये 7.6 अराउंड आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो छोटी वैल्यू है उसको 7.6 को 7.6 है और 7.7 को 7.6 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 1:1 वैल्यू आ जाएगी, मीन सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया 1। इससे हमारा क्या निकल के आने वाला है, इससे हमें पता है क्या निकल आएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला आने वाला है, जो कि हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा C1H1। इंपीरिकल फॉर्मूला से आप लोग को पता होगा क्लास इंपीरिकल वेट आ जाता है जो कि क्या होता है 12 + 1 कितना 13। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इंपीरिकल वेट इंटू एन लगाते हैं, एन हमें चाहिए, उसके लिए हमें मॉलिकुलर वेट चाहिए। तो मॉलिकुलर वेट इसमें नहीं दिया है तो हम कैसे निकालेंगे मोलर मास मॉलिकुलर वेट। तो आ जाओ फिर से एक नया कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं, क्या कैसे निकालेंगे। तो मैंने आज की क्लास में स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, जिसको हम कह रहे थे मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी, ठीक है, अपॉन अगर लीटर में है तो जैसे ये लीटर में है तो 22.4 लीटर। तो अब देखो वेट कितना दिया गया है, वेट ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में आज की क्लास में, अब ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो यहाँ पे कितने नए कॉन्सेप्ट मिले हमें, तो यहाँ पे दो नए कॉन्सेप्ट मिले, एक न्यू कॉन्सेप्ट हमारा ये यूज हुआ है इसमें, ठीक है, और एक न्यू कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे ये यूज हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, नॉर्मल वे से आप नहीं लगा सकते थे ऐसे आप, ठीक है। तो वेट हमें कितना गिवन है, वेट हमें गिवन है 11.6, हमें निकालना है मॉलिकुलर वेट, ठीक है। और ये वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम हमें गिवन है 10 और ये आ गया 22.4, इससे हम लोग का मॉलिकुलर वेट आ जाएगा, क्लास मॉलिकुलर वेट आ जाएगा कितना 26 अराउंड आ जाएगा। तो मॉलिकुलर वेट है 26, ये आ गया हमारा 13 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब इसको हम फॉर्मूला लगा देते हैं, हम लोग को फॉर्मूला पता है मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है क्लास इंपीरिकल फॉर्मूला होल एन, इंपीरिकल फॉर्मूला सी वन एच वन है और एन यहां पे 2 है तो ये क्या आ गया सी टू एच टू, मींस ये हमारी कौन सी गैस आ गई, एसिटिलीन गैस आ गई। तो हमारी वेल्डिंग गैस कौन सी होती है, एसिटिलीन। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू कॉन्सेप्ट यूज हुए थे। देखो अभी इसमें हम लोगों ने आज बेसिकली जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं, जनरली वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़ा थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आता है, कोशिश मैं ये करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चनों को भी मैं कवर कर लूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती इस वजह से मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मे बी मैं इंपीरिकल फॉर्मूला का सेकेंड पार्ट लेके आना वाला हूं और उससे आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हर बुक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्लास हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।